दोस्तों एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ आ रही है चाइना से। चाइना के साइंटिस्ट ने एक फोटोन को टेलीपोर्ट कर दिया है अर्थ के बाहर। उनका एक सैटेलाइट ऑर्बिट करता है अर्थ के चारों तरफ, लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर। उन्होंने अपने एक रेगिस्तान से एक फोटोन को यहाँ से टेलीपोर्ट करके और उस सैटेलाइट के अंदर कैच करने की कोशिश की है। उसमें वो कितना सफल हुए हैं और ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो क्या हम इंसान को भी ऐसे टेलीपोर्ट कर पाएंगे? आज जानते हैं इसी के बारे में। दोस्तों मेरा नाम है सुदीप और आप देख रहे हैं नार्जे एक्सप्लेन्स। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस वीडियो को आगे समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है। कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ऐसा माना जाता था कि उनकी जो क्वांटम स्टेट है वो इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन जब रिसर्च हुई तो क्वांटम इंटेंगलमेंट नाम की एक प्रॉपर्टी सामने आई। उस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर कुछ पार्टिकल जो ग्रुप में पैदा होते हैं उनके बीच में एक संबंध स्थापित रहता है, भले ही डिस्टेंस कितना भी ज़्यादा हो। तो दिस इज़ द क्वांटम इंटेंगलमेंट प्रॉपर्टी, जिसके आधार पर साइंटिस्ट ने ये निष्कर्ष निकाले हैं कि फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। इस तरह के एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंटेंगलमेंट के लिए चाहिए वो था स्पिन। अगर कुछ पार्टिकल्स ग्रुप में जन्म लेते हैं और उनके स्पिन का जो टोटल है वो जीरो है, तो उनके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि एक पार्टिकल की स्पिन क्या है और दूसरे पार्टिकल की स्पिन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टिकल ग्रुप के अंदर एक पार्टिकल की स्पिन क्लॉकवाइज है तो ऑटोमेटिकली दूसरे पार्टिकल की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी, भले ही डिस्टेंस कितना भी ज़्यादा हो। चाइना ने इसके लिए बहुत विशेष तैयारियां की थी। उन्होंने एक लास्ट ईयर एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जो सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट के लिए था। उसको सन के ऑर्बिट के अंदर रखा गया। इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि वो अर्थ के पास से जब भी होकर गुजरता था तो उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को छूकर निकलता था। इससे एक पूरा नेटवर्क, क्वांटम नेटवर्क बनाने में बहुत बड़ी सफलता मिली। चाइनीज टीम यहाँ से टेलीपोर्ट एक एक फोटोन को टेलीपोर्ट करने में सक्सेसफुल इसीलिए हो पाई क्योंकि वो पर्टिकुलर सैटेलाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर गुजरता था हर बार, तो इंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना बहुत आसान हो गया था। तो मोटे तौर पर अगर हम इसको समझें कि इंटेंगलमेंट से या टेलीपोर्टेशन से एक फोटॉन को यहाँ से वहाँ भेजने से हासिल क्या हुआ, तो उसको हम इस तरह से थोड़ा समझ सकते हैं जैसे आपने पुरानी माइथोलॉजिकल मूवीज देखी होंगी, रामायण देखा होगा, जिसमें एक आदमी एक जगह से गायब होके दूसरी जगह प्रकट होकर तीर चलाने लगता है। ये कुछ कुछ वैसा ही है। एक जगह से फोटोन को पूरा से पूरा ख़त्म किया गया और उसको दोबारा दूसरी जगह पर रिप्रोड्यूस किया गया। तो इसी दिशा में साइंटिस्ट थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। शायद एक दिन वो एक पूरी बॉडी को डिसइंटीग्रेट करके या पूरा उसको एक जगह से ख़त्म करके टेलीपोर्ट करके उसको दूसरी जगह रिक्रिएट कर सके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाला है अगर ये सही दिशा में चीज़ें जाती रहेंगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको इंटेंगलमेंट के बारे में और टेलीपोर्टेशन के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ दी और रिसेंटली जो चाइना ने एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में कुछ कुछ आपको बताया। अगर आप अपने ज्ञान को इसी तरह से लगातार बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और वो छोटा सा बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको अपने मोबाइल और लैपटॉप्स पर सीधे मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।